मैक्सिको में होती है मौत के देवी की पूजा। दोस्तों, मैक्सिको में मौत की देवी की मान्यता और विश्वास रखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इस पंथ में विश्वास रखने वाले सिर्फ मैक्सिको में ही मौजूद नहीं है बल्कि अब मध्य अमेरिका और कोलंबिया तक फैल चुके हैं। इनका विश्वास यह है कि मौत की देवी बीमारी और दुख से उनकी रक्षा करती है, और आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं मौत की देवी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल द लॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, भले ही कैथोलिक चर्च मौत की देवी में विश्वास करने वालों की आलोचना और निंदा करता है, लेकिन बीते वर्षों में मेक्सिको और पोप फ्रांसिस ने भी इस तरह की रहस्य कीर्तियों में विश्वास रखने वालों की कड़ी आलोचना भी की थी। और तो और, कुछ लोग इस रहस्यमय पंथ की लोकप्रियता बढ़ाने को मेक्सिको में अपराध और हिंसा में वृद्धि का साथ भी जोड़ते हैं, और इसे लेकर तमाम तरह के उपाय भी फैले हैं, जैसे कि मृत्यु हुई देवी अनुयायियों को अपने वश में कर लेती है। हालांकि इस पंथ में विश्वास रखने वाले लगभग लोगों का यह दावा है कि यह सब केवल अफवाहें हैं और यह केवल उनकी आस्था और विश्वास की बात है जिसमें कई बुराई नहीं है। वहीं जानकारों की माने तो मैक्सिको में शांत मूर्ति में विश्वास रखने का चरण सदियों पुराना है, क्योंकि इसका संबंध वहाँ की परंपरा से भी जोड़ा जाता है। अनौपचारिक काल में स्पेन द्वारा इस देश पर कब्जा कर लेने के साथ ही यहां कैथोलिक धर्म का आगमन भी हुआ था, और फिर गुप्त रूप से मौत की देवी में कई लोगों ने अपने विश्वास को जिंदा भी रखा था। दोस्तों, पहले के समय में यहां पर लोग मौत की देवी को अनुयायी होने के बाद को खुलकर स्वीकार नहीं करते थे, वहीं कुछ वर्षों से इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने लगे हैं। बहुत से स्थान पर इससे जुड़ी प्रार्थना स्थल भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही अपराधों के लिए कुख्यात टाइप को भी कस्बे में भी अंतिम 15 वर्षों में एक महिला डोला कोरेता ने घर में एक प्रार्थना स्थल बनाया है, जहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मृत्यु की देवी की अनुयायी वाले लोग यहां प्रार्थना करने के लिए आते हैं। ऐसे प्रार्थना स्थलों में आमतौर पर कंकाल को सजा कर उसकी पूजा की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि मेक्सिको में ही मृत्यु के देवता को समर्पित प्रथम सार्वजनिक प्रार्थना स्थल है, इसलिए इसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।